हाय स्टूडेंट, हमने कल देखा था डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अभी हम एक सीक्वेंस लेते हैं और उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अच्छी की तरह से समझते हैं। जैसे कि एक, एक दो दो तीन तीन, इसको नाम देते हैं T1 1, T2 1, T3 2, T4 2, T5 3, T6 3। तो इस सीक्वेंस में दो टर्म के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो इसके लिए अपन करते हैं T2 माइनस T1, मीन्स T1 क्या हुआ यहाँ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैसे T3 माइनस T2, तो यहाँ T2 कौन सा है, T3 क्या है 2, और T1 क्या है, T2 क्या है 1, तो इसका क्या हुआ 1। वैसे तीसरा लेते हैं T4 माइनस T3, T4 क्या पे है यहाँ पे 2 माइनस T3 2, तो 0। तो आप यहाँ देखेंगे इन दिस सीक्वेंस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट कॉमन, मीन्स यह देखो दो टर्म के बीच का डिफरेंस कॉमन है क्या, यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 0 आ रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं नॉन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।